हेलो गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 का समरी या रिवीजन लेक्चर बोल सकते हैं। तो चैप्टर 3 इज ऑल अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो हम खुद के लिए बनाते हैं, बिजनेस बनाते हैं, उसके ऊपर है। ठीक है, तो जैसे कि मैं हर रिवीजन लेक्चर में बोलती हूँ, आपने आई रियली रियली अज्यूम कि आपने ये रिविजन लेक्चर देखने के पहले ये चैप्टर कम से कम 2 से 3 बार खुद से पढ़ा होगा, क्योंकि रिविजन लेक्चर इज जस्ट अ ब्रश अप कि टॉपिक्स क्या है, द मेन पॉइंट्स, उसके अंदर क्या लिखा है, ये सारी चीजें रिविजन लेक्चर में नहीं होती है। अगर आप डायरेक्टली वो चैप्टर पढ़े बिना आप सोचोगे रिविजन लेक्चर पढ़ के ही काम चल जाएगा, सो दैट्स नॉट ट्रू। यू हैव टू मेक एफर्ट एंड रीड दैट चैप्टर 2 to 3 times बाय योरसेल्फ, और उसके बाद ही ये लेक्चर देखेंगे तो इफेक्टिव होगा। तो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं वो नॉर्मली रूरल एरिया में ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि वहाँ पे जनरली वहाँ के लोग माइग्रेट करके अर्बन सिटीज़ में आते हैं नौकरी की तलाश में, और फिर नौकरी नहीं मिलती है, देन दे सिट अनएम्प्लॉयड, फिर पैसे नहीं आते। सो व्हाट हैपेंस इज, अगर रूरल कंट्री में जो लोग हैं उनको अगर ये आइडिया है, उनके पास ये टैलेंट है, उनके पास थोड़ा बहुत भी अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं जहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि ना तो रेंट पे घर लेना है रहने के लिए, ना आप किसी के अंडर काम करने वाले हो, ना आपको पगार की टेंशन है, तो ये माइग्रेशन का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा अगर स्मॉल स्केल बिजनेसेस रूरल इंडिया में चलने लग गए तो। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ रूरल इकोनॉमी आर इंटररिलेटेड, विच आर मोस्टली सॉल्व बाय दी स्मॉल बिजनेसेस। और यहाँ पे एक एक चीज जो इस पूरे चैप्टर में जो रिपीट की जाती है वो है कि इंडिया में लेबर की कमी नहीं है। अब लेबर क्या होता है, एक आम इंसान मेरे और आपके जैसा, एंड वी नो कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 130 करोड़। तो इतने सारे लोग है ऑलरेडी, तो लेबर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सारे टाइप के लेबर मिलेंगे, अनस्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, तो लेबर इंटेंसिव है, बट पैसे की कमी है, देयर इज लेस कैपिटल दैट पीपल हैव। ठीक है, फाइनेंशियली बहुत इतने स्ट्रांग नहीं है सभी लोग कि वो लोग खुद के लिए अच्छा खासा बिजनेस सेटअप कर पाए, तो इसीलिए उनके लिए ये कंसेप्ट आया है स्मॉल बिजनेसेस का, जो चाँद छोटे से शुरुआत कर सकते हैं वो लोग। अब बिजनेसेस में 2 टाइप होते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो गुड्स बनाता है, गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, दूसरा होता है सर्विस सेक्टर जो सर्विसेज देता है, जैसे कि इंश्योरेंस सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, समझ रहे हो। तो एक होता है सर्विसेज जो सिर्फ आपको सर्विस दे रहा है, कोई भी टाइप का सर्विस हो, और मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं। तो इस पूरे चैप्टर, ये सबसे छोटा चैप्टर है, तो इस पूरे चैप्टर में जो सिर्फ 4 आंसर्स आपको पढ़ने मिलेंगे। सबसे पहला है इम्पोर्टेंस की स्मॉल स्केल बिजनेस के इम्पोर्टेंस क्या है, द सेकंड इज एडवांटेजेस की फायदे क्या क्या है, द थर्ड इज डिसएडवांटेजेस की इसका नुकसान या इसके डिसएडवांटेजेस नहीं एक्चुअली चैलेंजेस की, आप जब बिजनेस सेटअप करने जाते हो तो आपके सामने कौन से ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कौन से हर्डल्स आते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स आती है जो आपको फेस करनी पड़ेगी, मतलब लास्ट आंसर इज द स्टेप्स कि आपको कौन से स्टेप्स के थ्रू जाके आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो पहले पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस के बारे में कि बिजनेस इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहला तो जॉब अपॉर्चुनिटीज, आप अगर बिजनेस खड़ा करते हो तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है। द सेकेंड इज रीजनल बैलेंस कि कम ज्यादा का एक बैलेंस बना रहता है कि लार्ज स्केल वाले लोग तो कमा ही रहे हैं, बट देन देयर्स अ द ऑरा जहाँ पे स्मॉल स्केल पे भी बहुत सारे लोग अपने इस पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेशन के लिए। द थर्ड वन इज इंक्रीज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ होता है कि अब अगर मैं कोई सामान बेच रही हूँ तो मैं किस रेट में बेच रही हूँ, अगर सपोज मैं कोई कुर्ती बेच रही हूँ दैट इज़ फॉर 500, अगर वो सेम कुर्ती कोई और स्मॉल स्केल बिजनेस वाला बेच रहा है फॉर 400, तो एक वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आ जाता है कि भाई उसके पास अगर सेम क्वालिटी का कुर्ती है विद लेस प्राइस, तो उसके पास वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है। तो ये ऐसे तो बहुत सारे अगर स्मॉल स्केल बिजनेसेस हो गए तो उसकी वजह से क्या होगा, ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बढ़ेगा।
द फोर्थ इज मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जो स्मॉल स्केल बिजनेस में जो रिसोर्सेज आते हैं, रॉ मटेरियल आते हैं, वो नेचर से ही तो आते हैं डायरेक्टली, तो मैक्सिमम यूज होता है यहाँ पे रिसोर्सेज का. द फिफ्थ इज रिड्यूसेज माइग्रेशन. मैंने आपको जैसे बोला, अगर गांव में रूरल साइड में कोई इंसान है जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास एक आइडिया है जिससे वो खुद का बिजनेस क्रिएट कर सकता है, तो कम से कम लोग माइग्रेट होंगे रूरल एरिया से अर्बन एरिया में. क्यों? क्योंकि उनका जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो उनको वहीं पे उन्होंने क्रिएट कर लिया है. द सिक्स्थ वन इज सपोर्ट टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री. अब जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है वो अपना एक मेजर पार्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से करवाती है. जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल देना हो तो जैसे क्लोदिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, जो कपड़े वपड़े बनाती है, फाइबर बनाती है, तो उसमें जो सिलाई का जो मशीन होता है, वो जो सिलाई का मशीन है वो मैन्युफैक्चर करने का काम स्मॉल स्केल बिजनेस करती है. वो आगे हमने पढ़ा था. सेवेंथ इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर्स. नए नए बिजनेस खड़े हो रहे तो नए नए बिजनेसमैन भी बनेंगे, तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू बिजनेसमैन. द सेकेंड वन एडवांटेजेस, फायदे क्या क्या है. सबसे पहला लार्ज एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलती है. सेकेंड लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्योंकि छोटा सा धंधा खोलना है तो ज़्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं है. अगर आप चाय बनाने या गुड इन मेकिंग टी, तो आप एक छोटा सा ठेला डाल सकते हैं, वहाँ पे आप चाय बेच सकते हैं. तो हर चीज छोटे से, आप इतने लोग तो जैसे एम्ब्रॉयडरी का काम है वो घर से करते हैं, उनके पास स्किल है बट पैसे नहीं है, तो वो घर से ही अपना काम करते हैं. द थर्ड इज यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज. जो अपने को अवेलेबल रिसोर्सेज हैं नेचुरली, वो चीज़ें हम यूटिलाइज करते हैं. द फोर्थ इज इंक्रीजेज द इंडस्ट्रियल आउटपुट. हम इंडस्ट्री को सामान देते हैं तो वो लोग कुछ अच्छा मैन्युफैक्चर कर पाते हैं. द फिफ्थ इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट्स. तो इसमें मैं आपको एक रिविजन ये कराऊंगी कि जितना भी एक्सपोर्ट अपने कंट्री से बाहर के कंट्री में होता है, उसमें से 40% जो कंट्रीब्यूशन है वो स्मॉल स्केल बिजनेस का होता है. तो देयर इज अ कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट टू. सिक्स्थ वन इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. बराबर का हिस्सा मिलता है सबको. ऐसा नहीं है कि इधर कोई ऐसा लेवल नहीं है कि ये कोई का मैनेजर है और ये क्लर्क है. स्मॉल स्केल बिजनेस में सब एक ही लेवल पे काम करते हैं. देयर इज अ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द मनी दैट इज जनरेटेड या जो भी है, सबको बराबर का हक मिलता है. सेवन इज अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज. हम बाहर के अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको फॉरेन करेंसी में इनकम आएगा, तो वी आर जनरेटिंग अ फॉरेन एक्सचेंज फॉर आर नेशन. एट इज अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. बिजनेसमैन बनने का मौका देती है स्मॉल स्केल बिजनेस. नाइन्थ इज कॉस्ट एफिशिएंसी. मतलब स्मॉल स्केल है, हम अपने हमें ज़्यादा खुद हमारा कॉस्ट ज़्यादा नहीं लग रहा है क्योंकि हम रिसोर्सेज नेचुरली कलेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो हमारा प्रॉफिट ऐड करके जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कम ही होगा. सो देयर इज अ कॉस्ट एफिशिएंसी. टेंथ इज रिड्यूसेस माइग्रेशन. मैंने आपको बताया था जैसे कि रूरल से अर्बन में माइग्रेट होना कम हो जाएंगे क्योंकि वो लोग अपना बिजनेस अपनी जगह पे सेटअप कर सकते हैं. देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन. अगर सपोज मेरा ये धंधा या मैंने वड़ा पाव का शॉप डाला है, ठीक है, अगर वो शॉप मेरा नहीं चल रहा है, सो आई कैन माइग्रेट टू एनी अदर थिंग. क्योंकि इतना बड़ा कुछ बिजनेस नहीं है कि मेरे को चेंज करने के पहले 10 लोगों के पास जाके अप्रूवल लेना पड़ेगा. मेरा बिजनेस है, मैंने अभी चालू किया, मुझे आज ये नहीं बेचना है, वो बेचना है, सो आई कैन चेंज द बिजनेस. फिर आता है प्रॉब्लम्स. हम प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करते हैं. सबसे पहला है कि ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन. यहाँ पे टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ज़्यादा मैन पावर यूज़ होता है. तो ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन, उसकी वजह से क्या होता है ना, टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है गुड्स प्रोड्यूस करने में. सेकेंड इज इनएडिक्वेट फाइनेंस. पैसे की कमी है, सबके पास इतना पैसा नहीं होता है बिजनेस चालू करने वाले के पास, सो देयर इज इनएडिक्वेट फाइनेंस. थर्ड वन इज प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल. क्योंकि नेचुरली हमको रॉ मटेरियल अवेलेबल है, बट नेचुरली भी कितने दिन तक अवेलेबल होगा, राइट. जैसे मुझे फर्नीचर बनाना है तो मैंने किसी ट्री का, कोई पर्टिकुलर ट्री का जिसका स्टेम एकदम गुड क्वालिटी के होते हैं, उनका स्टेम मैंने काटना चालू कर दिया. पर वो ट्रीज तो लिमिटेड है ना, एक ना एक टाइम पे तो वो खत्म होने वाला है रॉ मटेरियल. प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल टू. चल अभी आप मुझे बोलोगे कि लेबर इंटेंसिव, पर लेबर का प्रॉब्लम क्या है. लेबर का प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है मेरे बिजनेस में मुझे स्किल्ड लेबर्स चाहिए बट मुझे मिल नहीं रहे, अनस्किल्ड मिल रहे हैं जिनको ट्रेनिंग या क्वालिफिकेशन नहीं है, उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, तो वो नहीं समझ सकते. देयर इज अ लेबर प्रॉब्लम. टू मार्केटिंग प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि एक
एक ऐसा एक मामूली सा इंसान, समझ लीजिए मैं, अगर मैं कोई बिजनेस चालू कर रही हूँ तो 130 करोड़ के पॉपुलेशन में हाउ विल आई मेक माई सेल्फ आइडेंटिफाइबल कि लोग मुझे पहचाने, मेरे प्रोडक्ट्स को पहचाने. सो दिस इज मार्केटिंग प्रॉब्लम, क्योंकि मैं कहीं भी नहीं हूँ, दिस इज अ स्मॉल बिजनेस, तो मैं कैसे आइडेंटिफाइबल बनाऊंगी खुद को. दिस इज अ मार्केटिंग प्रॉब्लम. सिक्स्थ इज द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट. मुझे कोई गुड्स यहाँ से वहाँ बेचना है तो मैं ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट करना पड़ेगा मुझे. सेवन्थ इज सिकनेस. सिकनेस मतलब बीमार वाला सिकनेस नहीं, बट देन कभी कभी होता है कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, जैसे चेंज इन द प्रेफरेंसेस या फैशन में कोई चेंज आ गया है तो हमारा बिजनेस बंद होने का भी प्रॉब्लम हो सकता है. द एट इज पावर शॉर्टेज या इरेगुलर सप्लाई. अगर आपका कोई बिजनेस है जो ऐसे बैकवर्ड रीजन में सिचुएटेड है जहाँ पे पावर कट होता है या फिर देयर इज इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज अगर सपोज बिजली चली जाती है तो उतने देर के लिए आपका जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाएगा, राइट? तो उससे आपका सेल्स इफेक्ट इफेक्ट होगा, अफेक्ट होगा सेल्स. तो ये भी चीज़ें प्रॉब्लम आती है बीच में. द सेम थिंग ग्लोबल कॉम्पिटिशन, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज है, बहुत सारे आप जैसे ही स्मॉल बिजनेसेस वाले लोग हैं, तो इज अ ग्लोबल. अगर आप अपने ही लेवल पे खेलोगे स्मॉल बिजनेस दैट्स ओके, बट देन अगर मैं कोई कपड़ा एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ तो ऐसे ही कोई लार्ज बिजनेस होगा जो एम्ब्रॉयडरी करता होगा. सो इज अ ग्लोबल कॉम्पिटिशन, मुझे कॉम्पीट करना है वो सबसे करना है. तो दो ज्यादा चैलेंजेस. अब आते हैं स्टेप्स. हमको स्टेप्स की सबसे पहला तो डिसीजन ऑफ द बिजनेस एरिया, मुझे क्या चीज बनानी है, किस चीज के लिए बिजनेस खड़ा करना है. द थर्ड इज स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. आप आसपास में देखोगे कि इस प्रोडक्ट के लिए कितना डिमांड है, वो सारी चीजों की स्टडी करोगे. द थर्ड इज सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट. यहाँ पे मैं फिक्स कर लूंगी कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना है. ये बिजनेस एरिया वो है, जैसे कि अगर इफ आई एम गुड एट मेकिंग कुकिंग या मेकिंग फूड तो ये मेरा बिजनेस एरिया. बट मैं फूड में भी, क्योंकि स्मॉल स्केल है तो मैं तुरंत ही होटल वाली फैसिलिटी तो नहीं दूंगी. सो आई हैव टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कि मैं स्टार्टिंग में क्या बेचना चालू करूंगी. देन इज अ सिलेक्शन ऑफ पेज अ प्लेस जहाँ पे आपने बिजनेस एनवायरनमेंट देखा है कि इस गुड के लिए कितना डिमांड है. सो आपको जगह भी वैसी ही ढूंढनी है जो आपके आसपास वो सिमिलर चीज बेचने वाला इंसान नहीं आना चाहिए, वरना फिर आपके गुड्स बिकेंगे नहीं. द फिफ्थ वन इज सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी. आपको ऐसी टेक्नोलॉजी या मशीन सिलेक्ट करनी पड़ेगी जिससे आपके गुड्स फटाफट मैन्युफैक्चर हो सके. देयर इज नो वेस्ट ऑफ टाइम इन इट. द सिक्स्थ इज बिजनेस प्रपोजल. ठीक है, तो आपका जो प्रोजेक्ट रेडी हो गया है, आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर दिया है, प्लेस सिलेक्ट कर लिया है, टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर लिया है, तो आपको वो जो प्रोजेक्ट है ना वो अप्रूवल के लिए भेजना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट सर्वाइवल के लिए इफेक्टिव है या नहीं. तो वो चीज़ का अप्रूवल लेना पड़ेगा. एंड देन द मेन एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज फाइनेंस. देन यू हैव टू अरेंज फॉर द फाइनेंस, क्योंकि उसके बिना ना तो आप शॉप खरीद सकते हो, ना तो गुड्स मैन्युफैक्चर कर सकते हो, ना उसे बेच सकते हो. इट इज़ गुड टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड. खुद को रजिस्ट्रेशन करा लोगे ना तो इट विल बी सेफ, क्योंकि फिर लोग आपके सामान खरीदने के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे क्योंकि यू आर अ रजिस्टर्ड डीलर. एंड देन नाइन्थ इज अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब फिजिकल रिसोर्सेज लाओ, स्टाफिंग करो, लोगों को हायर करो काम के लिए. देन इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट करो. टेंथ में है प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट. गुड्स बनाओ और उसको मार्केट करो, गुड्स बनाओ उसको मार्केट करो. इलेवेंथ इज रिव्यू एंड फीडबैक. रिव्यू एंड फीडबैक इसीलिए क्योंकि आपने गुड्स बेच दिए बट देन उसके बाद एक क्यूरियोसिटी होती है ना कि पता नहीं लोगों को पसंद आया या नहीं, या फिर लोगों के और क्या डिज़ायर्स है, और क्या एक्सपेक्टेशंस है प्रोडक्ट को लेके. सो वो सारी चीज़ें अगर हमको मालूम है देन वी कैन इम्प्रूव आर प्रोडक्ट अ बिट, जिसकी वजह से क्या होगा डिमांड और बढ़ेगा मार्केट में. ये एक चार्ट मैंने आपको बोला था कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं. आई विल रिवाइज इट अगेन यहाँ पे. तो ये एक जो MSMED होते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है, ये MSMED वाले जो होते हैं ये लोग
क्राइटेरिया इन्होंने बनाया है जिसके ऊपर डिसाइड होता है कि कौन सा बिजनेस माइक्रो है, कौन सा बिजनेस स्मॉल है और कौन सा बिजनेस मीडियम है। तो वो क्राइटेरिया क्या होता है, ये वो कंपनी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है। तो जब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, जहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, तो एकदम ध्यान लगा के सुनना। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आंख बंद करना और वो फिगर्स दिमाग में लाना जो मैं बोल रही हूँ। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो गुड्स बनाता है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है प्लांट मशीनरी या कोई भी असेट में, द इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 25 लाख, 25 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट है, तो वो माइक्रो एंटरप्राइज बनेगा, माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बन जाता है। अब 25 लाख से तो ज्यादा है पर 5 करोड़ से कम है, 25 लाख से ज्यादा है पर 5 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है, तो वो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बन जाता है। 5 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है पर 10 करोड़ से कम, मतलब 5 से 10 करोड़ के बीच में है, तो वो मीडियम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बन जाता है। MSMED सिर्फ 3 चीजों के बारे में बात करती है, एक है माइक्रो, दूसरा है स्मॉल और थर्ड है मीडियम, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया जो दिया है ना, वो ये तीनों चीज का दिया है। पर लास्ट वाला क्राइटेरिया हमने क्या पढ़ा था, 5 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ से अंदर। अब अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ के ऊपर है तो, 10 करोड़ के ऊपर है तो वो ऑटोमेटिकली लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चला जाएगा, फाइन। ये है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, 25 लाख से कम तो माइक्रो, 25 से ज्यादा पर 5 करोड़ से कम तो स्मॉल, 5 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम तो मीडियम। सिमिलरली वी हैव अ सर्विस सेक्टर जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो इसका लिमिट आप याद करोगे तो अगर किसी भी सर्विस सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट किया है प्लांट मशीनरी या किसी भी असेट में, तो अगर वो इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम है तो वो माइक्रो सर्विस सेक्टर बन जाते हैं। इन्वेस्टमेंट 10 लाख से तो ज्यादा है पर 2 करोड़ से कम है तो वो स्मॉल सर्विस सेक्टर बन जाता है, ठीक। अब इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से भी ज्यादा है पर 5 करोड़ से कम है तो वो बन जाता है मीडियम सर्विस सेक्टर, फाइन। अब 5 करोड़ से भी ऊपर है तो वो बन जाता है लार्ज सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पे जो फिगर्स है वो याद रखना, लैक्स सिर्फ फर्स्ट वाले में ही आता है, ठीक। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो एक और बार फटाफट रिवाइज करते हैं, 25 लाख से कम तो माइक्रो, 25 लाख से ज्यादा पर 5 करोड़ से कम इज स्मॉल, 5 करोड़ से ज्यादा पर 10 करोड़ से कम इज मीडियम, ठीक। और सर्विस सेक्टर में है 10 लाख से कम है तो माइक्रो, 10 लाख से ज्यादा पर 2 करोड़ से कम है तो स्मॉल, 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ से कम है तो मीडियम। तो ये जो टेबल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं और वन लाइनर्स आ सकते हैं। हो सकता है कि आपको फिर ये ड्रॉ करके बताने बोले कि सारे हमको क्राइटेरियाज बताओ MSMED के, ठीक। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका समरी। ये मैंने आपको टेक्स्ट बुक से इसीलिए करवाया है क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ 4 ही आंसर्स थे और वो 4 आंसर्स में ये गिने चुने पॉइंट्स हैं। आपने कोई भी ऑथर की बुक पढ़ी होगी तो पॉइंट्स तो सेम ही होंगे। अंडरस्टैंड दिस समरी ऑफ दिस चैप्टर यू हैव टू रीड इन डेप्थ द चैप्टर। आई होप यू हैव रीड द चैप्टर और उसके बाद ही आपको ये रिविजन लेक्चर इफेक्टिव लगेगा।